हाल ही में 5 में से 4 राज्यों में जीत दर्ज कर सत्ता में वापसी करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति की तैयारियां शुरू कर दी। एक तरफ कांग्रेस पार्टी को गति देने के लिए उदयपुर में कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर करने जा रही है, तो वही मिशन राजस्थान 2023 को फतह करने के उद्देश्य से बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक जयपुर में होने जा रही है। 20 और 21 मई को होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक में बीजेपी के सभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, महासचिव व सचिव और राज्यों के प्रभारी इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे, जबकि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह परिस्थिति अनुसार व्यक्तिगत या वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बैठक से जुड़ेंगे। आपको बता दें कि अगले 1.5 साल में गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की रणनीति को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। राजधानी जयपुर में 20 से 21 मई को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री समेत तीनों नेताओं का संबोधन जयपुर की बैठक में प्रस्तावित है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक मोदी शाह नड्डा के व्यक्तिगत रूप से बैठक में शामिल होने का प्रोग्राम प्रस्तावित है, लेकिन यदि कोई अपरिहार्य कारण बनते हैं तो वीसी के जरिए बैठक में जुड़ेंगे। वही पार्टी ने सूत्रों से बताया कि बीजेपी के सभी राष्ट्रीय महासचिव, उपाध्यक्ष और चुनावी राज्यों के प्रभारी इस हाई लेवल मीटिंग में हिस्सा लेने जयपुर आएंगे। राजस्थान में होने वाली बीजेपी की इस राष्ट्रीय बैठक को अगले साल होने वाले चुनावों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कभी राजस्थान में गहलोत की कांग्रेस सरकार है और राजस्थान में लगातार हो रही सांप्रदायिक घटनाएं, लिंचिंग और उपद्रवों के साथ मंदिरों में तोड़फोड़ की घटनाएं व महिला और दलित अत्याचार अपराधों को बीजेपी राजस्थान के देशभर से मुद्दा बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK न्यूज़।